अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। आप देख रहे हैं मेरे हैंड को मेहंदी लगी हुई है, तो स्पेशल डे हो सकता है ना? हाँ यस, बिल्कुल कल स्पेशल डे है, बहुत स्पेशल डे है, तो हम लोग सब मेहंदी लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कल कुछ शादी पार्टी फंक्शन है, ऐसे हम लोग नाइट में जग के और हम तीनों मेहंदी लगा रहे हैं। मैंने क्या की हूँ इस बार, तीनों के हाथ हैंड में एक सी सेम मेहंदी लगाई हूँ। स्कूल में अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने नायवा सीरिन को थोड़ी सी लगाई हूँ बिल्कुल, और मैंने मतलब पूरे हैंड में लगा ली हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी। इससे पहले मैंने आपसे शेयर की थी कि हम लोग कार बुक कर दिए हैं, तो वो डिलीवरी का टाइम आ गया है, डिलीवरी है आज कार की। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और होता है ना, इंसान सपने देखता है और फिर वो पूरे हो जाएं, और उसके बाद उसकी जो खुशी, वैसी मेरी मतलब मुझे आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में कार हमने बुक की है और वो अब मिलने वाली है, हमारे पास रहने वाली है और हम उसमें घूमेंगे। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं, नज्जू भी बहुत खुश है, क्योंकि चलाना तो उन्हें ही है। तो बस हम लोग इस तरीके से ये मेहंदी लगा के रेडी हुए थे, और ये देखिए हम लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग यहाँ रेडी होके आ चुके हैं अच्छे से। मेहंदी भी काफ़ी रच चुकी है और सबके अंदर एक खुशी है कि वाह, अब हमको कार मिलने वाली है, कार की डिलीवरी है आज, और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी हो रही है। और होता है ना कि मतलब सपने देखो और फिर वो पूरे हो जाएं, ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो सपने तो देखते हैं बट ज़रूरी नहीं वो पूरे हो, बट नज्जू ने मेरे हर सपने को पूरा कर दिखाए हैं। मैंने जो भी सपना देखी हूँ, जो भी सोची हूँ, वो हमेशा मुझे हर चीज़ पहले ही लाके दे देते हैं। सो बहुत खुशी है कि अब हम लोग, हमारा परिवार कार में चलेगा, और हम लोग कार में बैठ के हमारी खुद की अपनी, होता है ना कि कार मिलती है या फिर पेरेंट्स लोग दिला देते हैं, नहीं, हमने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से और फिर कार ली है। वो पता है मुझे बार बार लग रहा है, बार बार मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ कि मतलब हम रज्जू ने खुद अपनी ड्यूटी से, अपनी मेहनत से कमा के उस कार को बनाए हैं, उस कार को खरीदे हैं हमने। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि हमारी कार है, हमने लिए हैं वो कार। नहीं तो होता है ना कि पेरेंट्स लोग दिला देते हैं या पैसे दे देते हैं या कुछ भी, तो वो एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन हम इस काबिल बन गए हैं, हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमने उस चीज़ को लेने का सोचा और हमने लिए। तो थैंक यू सो मच नज्जू, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है इस तरीके से कि आपने इतनी प्यारी लाइफ हम लोग को दिए हैं। कोई कमी नहीं छोड़ते हम लोग की खुशियों में, हम लोग के बोलने से पहले आप हर खुशी ला के सामने खड़े कर देते हैं। सो बहुत एक्साइटमेंट है हम सब, बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें अल्लाह ने इतने अच्छे से इस मुकाम पे पहुँचाए कि हम कुछ बड़ी चीज़ ले सकें। हम लोग का घर हो गया है, कार हो गई है, और क्या मांगूँ अल्लाह से, इतना प्यारा परिवार है मेरा, हम लोग सब इसी तरह के खुशहाल मुस्कुराते यूं ही लाइफ इसी तरीके से जीते चले जाएँ, बस यही दुआ है। और बस छोटी छोटी खुशियों से ही मैं अपने परिवार में खुशियाँ ढूंढती हूँ, और सभी लोग इतने ज़्यादा हम लोग खुश थे, और अम्मी पापा खुश थे, और फैमिली में सभी लोगों को बताए, सभी बहुत खुश थे कि चलो इन लोग ने ले लिए हैं, इतना अच्छा लगा। और अब हम लोग इस तरीके से कार को लेने, ओला से, ओला में बैठ के हमारी कार को लेने गए थे हम लोग, क्योंकि चला के नज्जू ही लेके आएंगे, इनको आती है ड्राइविंग, अच्छे से आती है, तो इंशाल्लाह कार को घर फर्स्ट टाइम चला के नज्जू ही लेके आएंगे। ये मेरा सपना भी है कि जब पहली बार हम लोग को कार मिले हमारी, तो उसे नज्जू ही चला के घर लेके आए। तो नायमा सीरीन इस तरीके से रेडी हुई है, अपनी पसंद की कंघी वगैरह की हैं, और हम सब बहुत खुश हैं, नज्जू भी बहुत खुश हैं, और हम सब की तरफ से नज्जू को बहुत बहुत थैंक यू कि हम लोग को इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, डैडी को थैंक यू बोलते हैं हर बार, और मैं भी इतनी प्यारी पूरी लाइफ देने के लिए, इतनी खुशहाल और खूबसूरत बनाने के लिए, फूलों से भरी लाइफ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नज्जू, क्योंकि ऐसे तो अपन बोल नहीं पाते हैं, बट इसके ज़रिए मैं शायद बोल पाऊँ और आप उस चीज़ को सुन पाएँ, क्योंकि सामने से हर कुछ नहीं बोल पाते। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।